नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को लगभग एक महीने से ज़्यादा का वक्त पूरा हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने का गम शहनाज गिल को सबसे ज़्यादा है। एक महीने तक शहनाज गिल कहीं नज़र नहीं आई, मीडिया के सामने दिखाई नहीं दी, लेकिन अब वो काम पर लौट चुकी हैं। उनकी फिल्म हौसला रख 15 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, जिसके प्रमोशन में वो बिजी हैं। लेकिन कई बार हौसला रख के सेट पर देखा गया कि शहनाज गिल बहुत उदास हो जाया करती हैं, रोने लगती हैं। वहीं आपको बता दें कि शहनाज गिल का एक इंटरव्यू भी सामने आया था, जिसमें हमने देखा था कि शहनाज गिल अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। जी हाँ, भले ही वो मीडिया से बात कर रही हो, इंटरव्यू दे रही हो, लेकिन आपको बता दें कि वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो गम उनके चेहरे पर साफ साफ छलक रहा था। जी हाँ, तो अब जो शहनाज गिल की चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शहनाज गिल कब तक पूरी तरीके से ठीक हो पाती हैं। फिलहाल और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।